साथ में वीडियो पूरी देखने बाद तभी आप लोग कमेंट करना, आपके लिए थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो बात करेंगे SSC भर्ती 2018 के बारे में। तो देखिए SSC भर्ती 2018 का जो मामला है वो कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। तो इसमें बच्चे कमेंट करें सर इसकी जो सेकंड लिस्ट है वो कब तक आएगी, कब तक नहीं आएगी, मामला फंसा हुआ है क्योंकि बच्चे भी बहुत हताश और परेशान हैं और बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की है लेकिन उनकी मेहनत का जो फल है अभी तक नहीं मिला है। बार बार आपको पता है क्या होता है, डेट लगती है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कोर्ट का अपडेट क्या है और सेकंड लिस्ट जो है आपकी वो कब तक जारी हो सकती है, और सेकंड लिस्ट जारी होगी तो उसमें नक्सल, बॉर्डर और जनरल डिस्ट्रिक्ट में से किसका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। कोर्ट में सुनवाई पूरी कब होगी, मतलब कि कोर्ट की जो सुनवाई वो पूरी कब होगी और जो फाइनल फैसला है आपका अब वो कब तक दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली, तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप लोग नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको SSC भर्ती से जुड़ी कोई भी अपडेट हो तुरंत तब तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो ये है दिल्ली हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पर आप लोग अपने केस का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। तो पहले नंबर पर केस टाइप, नंबर, ईयर। तो केस टाइप में आपको क्या सेलेक्ट करना है, constable.cas/c, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका केस नंबर है वो 630 है और 2023 पे क्लिक करके डिस्प्ले वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो केस की जो पूरी समरी है वो यहाँ पे आपको ओपन होकर यहाँ पे दिख जाएगी। और केस जो है किस नाम से चल रहा था, रूपक कुमार अर्सेस अजय कुमार भल्ला, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एडवोकेट जो इसमें रही थी वो प्रतिभा कुमारी जी रही थी, ठीक है। तो ये केस जो है डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका है, मतलब कि बंद सा तो हो चुका है, ठीक है। तो इसमें एक आर्डर आया है, जजमेंट आया है, इसमें क्या जजमेंट आया है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जजमेंट सा तो जो है वो ये जजमेंट जो है 3/5/2024 को आया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कांस्टेबल का ये जो जजमेंट आया था, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको जैसे ओपन करूँगा ये PDF फॉर्म में आपको डाउनलोड हो गया दिखाई देगा। तो ये PDF, तो अब इसी में पूरा आर्डर सा तो दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको नहीं देखना चाहते हिंदी में तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ पहले से भी, तो इसको जाके पूरा हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो केस आपका जो डिस्पोज हो चुका है, पूरा आर्डर इसमें दिया गया है और किस तारीख को डिस्पोज हुआ था, 3 मई 2024 को ये केस आपका बंद हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये कमेंट करेंगे सर इसमें तो स्टे लगा हुआ था, तो स्टे लगा हुआ है तो क्या दोबारा ये केस ओपन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अगर स्टे लगा होगा तो स्टे कितने दिन के लिए लगा है और किस लिए लगा है स्टे, तो वो जानकारी अगर मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। अगर ये केस खुलने वाले उम्मीद होगी भी तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।